गोलांडी गोलांडी बता रही है वीकेसी जाने के लिए। यस वीकेसी से जाना है लाइफ लिख के। 8 और 48 46 सेकेंड्स। ओके ओके सब कुछ डन। मैं अभी हूँ बैंड्रा से जा रहा हूँ साइंस एल एफ मार के। एचपी पेट्रोल में पेट्रोल भरा लिया, टैंक इज फुल, सब ले लिया। ये सब ग्लव्स नहीं पहनता सबसे पहली बात तो। ये गूगल आंटी थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि कुछ दिख रहा नहीं है। 8 और 46 सेकेंड। अच्छी बात है बारिश नहीं हो रही है। आगे जब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा तो वहाँ पे ग्लव्स पहन लूँगा एंड एल्बो गार्ड भी। ये लेफ्ट वाले मिरर का क्या हो गया यार, पीछे का दिखता ही नहीं। सो रूट इस आपको तो पता होगा, यहाँ से साहापुर कसारा देन गोटी देन शिरडी। उसके आगे भी जाने का प्लान है। सो टोटल राइड है 35 किलोमीटर्स। लेफ्ट लेफ्ट राइट तो अराउंड कुछ मैं वहाँ पे 4:30 4:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। पहुँचना चाहिए जिस तरह से मेरी स्पीड होगी। बारिश नहीं होगी तो थोड़ी स्पीड क्रूज कर सकता हूँ मैं। अगर बारिश हुई तो पता ही आपको स्पीड नीचे लानी पड़ेगी। खड्डे खड्डे तो इतने हैं भाई। वेदर वेदर भी बहुत प्लेजेंट है। सुबह सुबह निकलना तो मुझे 6:30 बजे। मैं शेड्यूल से 1 घंटा लगभग 1.5 घंटा पीछे चल रहा हूँ। 6:30 की भाई निकला 7:30 बजे घर से। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते अगर कुछ ज़्यादा लेट हो गया तो प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे। रुक जा भाई जान दे। चलो ब्रदर आगे हो जाओ आगे हो जाओ। चलो 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 भाई। माही यहाँ से मुझे आगे से लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेके बीकेसी डेन कुर्ला एक्सप्रेस हाईवे से सीधा टूवर्ड्स नासिक की तरफ से। पहले तो फिलहाल एक यहाँ से जितना हो सके उतना शिरडी पहुँचने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मुझे। लेफ्ट वाला मेरा तो कुछ मैं इसको बदली ही करना पड़ेगा। सुबह कल सॉरी कल शाम को ही मैंने गाड़ी रुक जा कल शाम को ही मैंने गाड़ी सर्विस करवाया था। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, जैसी है वैसी चलनी चाहिए। मेरी पल्सर ने कभी प्रॉब्लम तो दिया नहीं। 2016 का मॉडल है। मैंने मुंबई हैदराबाद किया था तो वन शॉट में कुछ नहीं, खाली गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करना पड़ा। बाकी एज इट इज़ गाड़ी प्रॉपर चल के आई थी। प्राउड टू बी ओनर ऑफ 220। सीरियसली हाईवे पे तो बेस्ट परफॉर्मेंस है। तेरे को तो चेंज ही कर देता हूँ मीटर। रुक जा एक बार घर पे पहुँचने दे। इसलिए पल्सर पल्सर होती है। प्रमोशन नहीं कर रहा मैं पल्सर का। होपफुल बारिश ना गिरे यहाँ पे तो नहीं है। आगे बारिश ना गिरे, बारिश ऐसी ना गिरे तो मज़ा आए चलाने और पहुँच जाऊँगा। आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जो भी किया है दिल से किया है, सब कुछ अपने कमाई का। वाह व्हाट अ व्यू वाशी। थोड़ी देर में मैं कसारा में पहुंच जाऊंगा क्योंकि पीछे का रोड मैंने स्किप कर दिया हुआ है। एक टाइमलेस मारा था मैंने एक्शन कैमरे से मेरे। मज़ा आए तो वो कसारा पहुँच के ही मिलता हूँ। ओके बाय। निकलने से पहले मैंने सर्विस करवाया था गाड़ी का। पता नहीं कि ऑयल लीक कम हो गया, ये बच्चे क्यूरियस थे। तो अभी ऑयल चेंज कर दिया है मैंने कसारा के पहले। तो आपको कसारा पे ही मिलता हूँ, बाकी की स्टोरी वहाँ पे कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमरीश ब्लॉग्स। तो मुंबई से अराउंड 105 100 किलोमीटर कसारा पे यहाँ पे हो, कसारा पे यहाँ पे क्या पे बाइक की हालत। एक गुड न्यूज़ है, बारिश नहीं हो रही, बारिश रुक गई है। और सेकंड थिंग बैड न्यूज़ हुआ था, बैड न्यूज़ नहीं बोल सकते लेकिन बाइक है हो गया। ऑयल लेवल कम हो गया हद से ज़्यादा, हमको पता नहीं था। वो ऑयल भी चेंज करवा मैंने, शूट नहीं किया क्योंकि ज़्यादा फर्स्ट रेट था।
इसके वजह से अभी तक की राइड बेस्ट, और यहाँ से अराउंड कुछ 150 किलोमीटर, और यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर कवर करना है मुंबई से। मैं जाने वाला था एक बहुत बड़ी जगह पे, वो मुंबई से अराउंड कुछ 424 किलोमीटर थी। फिर सुना वहाँ पे बहुत बारिश आ रहा है, पोस्टर शाम हो जाए रात हो जाएगी, और वहाँ का होटल बुक नहीं किया। तो मेरे का अभी प्लान फिलहाल है मैं जाऊँगा शिरडी, वहाँ तो हम लोग बताता रहूँगा। फिर वहाँ से और एक जगह जाने वाला हूँ, वो भी बताऊँगा, वो सेकेंड ब्लॉग में आएगा। इलैंड मैके ऑन रोड सीधी वहाँ तक देख लिया, तो डू लाइक पहले ही बोल दिया, क्योंकि अभी बारिश चालू होगा, बारिश की संभावना लग रही है, बारिश चालू होगा तो मैं एक्शन कैमरा से शूट कर लूँगा। आवाज़ चलो कचरा घाट पे मिलता आपको। चलो चाय हो गया, डन एवरीथिंग, चाबी ले ली। मैं ग्लव्स नहीं पहन सकता, क्योंकि अगर ग्लव्स पहनूंगा तो एक्शन कैमरा बंद चालू करने के लिए प्रॉब्लम होता है। एवरीथिंग मेरा पर्स वगैरह सब है, कवर कर लिया अच्छे से बैग से। ये विंड शीटर है तो उसको मैंने कवर कर लिया बैग पे, क्योंकि अंदर कपड़े है राइडिंग गियर से तो गिल्ले ना हो जाए। चलो उतर भाई। कसारा तो आपको पता ही, घाट फेमस घाट है नो एंट्री के लिए। तो आप पता नहीं नो एंट्री से क्यों आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। चलो पीछे आ जाओ भाई, चल कोई है नहीं है। ओके ऐसे, और मुझे जर्नी कवर करनी है अराउंड कुछ 135-150 कर, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो, पता नहीं मेरे पीछे कितना किलोमीटर बोला था। सो अभी प्लान में थोड़ा चेंज होने का, क्योंकि मैं जा रहा था पहले 425 किलोमीटर कवर करने के लिए, तो अभी मैं शिरडी तक ही पहुँचूंगा। क्योंकि गूगल आंटी का अभी पूछा मैंने थोड़ी देर पहले, तो गूगल आंटी बता रही कि तुम वहाँ पे 6:30 बजे पहुँच जाओगे, मतलब 7 बज जाएंगे, तो वहाँ पे पहुँच के जा के फ़ायदा नहीं है, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा वहाँ पे पहुँच के। इसकी वजह से पहले मैं शिरडी में हॉल्ट लूँगा, फिर दूसरे दिन राइड वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। ये बारिश चालू हो, टॉप पे लिटरली विजिबिलिटी ज़ीरो है, लिटरली। मैं मेरा सिग्नल लाइट मतलब चालू करके दिखा रहा हूँ आपको। कसारा का टॉप पे क्लाउड्स मेरे फेस को टच करे, वाह व्हाट अ व्यू, इसको मिलता है यार आने के लिए। व्यू देखो, वो आते थे। लेकिन अगर एक्सपीरियंस राइडर हो तो मैं सजेस्ट करूँगा मत कीजिए राइड, खूब डेंजरस हो सकती है। 12 बज रहे हैं, सो मैं हूँ कोटी गाँव में, और यहाँ से अराउंड कुछ 80-90 किलोमीटर जाना है। पीछे का व्यू देखो, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए। बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही है लेकिन थोड़ी ड्रिजल हो रही है, उससे फर्क ही नहीं करता, चलता है। बाइक की हालत दिखा दो आपको, क्या डीस। पहले मुंबई जाऊंगा, सर्विस कर दूंगा गाड़ी का, ऑयल कम हो रहा, ऑयल भी चेंज कर दिया है, फिर से मुंबई जाके फिर से चेंज करूँगा। तो ये व्लॉग शिरडी तक ही है, शिरडी के आगे भी एक राइड है और 250 किलोमीटर की है, और सेकेंड पार्ट में आएगा। तो डायरेक्ट आपको शिरडी पहुँच के ही मिलता हूँ, अगर कुछ होगा दिखाने जैसा जरूर दिखाऊंगा। मैं तो डायरेक्ट शिरडी पहुँचता हूँ, मेरे राइडिंग गेयर मैंने निकाल दी है, वो ज़्यादा गर्म हो रहा था इसलिए मेरा एल्बो एंड नी पे, इसलिए डायरेक्ट ऐसी बात कर रहा हूँ, थोड़ा ऑटो ब्रेक के लिए रुका रहा। चले जाएगा अराउंड कुछ 2 बज जाएंगे, 2 घंटे में। रोड्स तो ऐसी ही गोटी गाँव के पहले से बहुत बेहतर है, फर्स्ट टाइम आया था तो ये बड़े बड़े खड्डे थे, खड्डे में रोड था, रोड में खड्डा पता नहीं चलता था तभी 3 साल पहले, थोड़ा बेटर है। मेके ऑन रोड्स, दर्शी टेम्पल भी है, मोबाइल अलाउड नहीं, डायरेक्ट होटल में मिलता आपको। सो दिस इज द होटल, होटल योगी राज, अच्छी डील मिली पेटीएम पे मुझे। सो दर्शन करके सो बैक टू द होटल, मैं कहाँ पे था, यस ये होटल मुझे बेस्ट डील पे मिला पेटीएम पे, चाहो तो अभी कर सकते हो, पेटीएम का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। सो अराउंड मैं यहाँ पे अराउंड 3:30 बजे पहुँचा लगभग यहाँ पे, एंड 4 o'clock को मैं टेम्पल में गया दर्शन करने के लिए। सो वहाँ पे एज यूजुअल मोबाइल अलाउड नहीं था, कुछ रिकॉर्ड करने में नहीं मिला। तो ये राइड एक्चुअली सुबह निकला था घर से, तो 430 किलोमीटर की राइड थी। तो प्रॉब्लम ऐसा हुआ, मुझे निकलना था सुबह 6:30 बजे, मैं निकला सुबह 7:30 बजे,
मुंबई से घर से, तो गूगल आंटी ने मुझे कहा कि आप शाम को 6 बजे पहुँचोगे जिस जगह पे जा रहा हूँ, या आने वाले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा मैं शिरडी से और एक जगह जा रहा हूँ। सो प्लान वहाँ पे चेंज कर दिया मैंने। सो पहले वहाँ पे जाके यहाँ पे आने वाला था, अभी उल्टा हो गया, पहले यहाँ पे आया, अभी वहाँ पे जाऊँगा, फिर वहाँ से मुंबई चले जाऊँगा। तो वन नाइट स्टे है यहाँ पे, तो सुबह जल्दी उठ के निकल के सेकेंड एपिसोड में पता चल जाएगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, वो बाद में बता दूंगा, थोड़ा रिलैक्स से बैठा हूँ। एंड एवरीथिंग डन, थोड़ा फंबल हो रहा हूँ। वीडियो आते ही देख लिया तो डू लाइक डू कमेंट, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो हो सके तो जितना हो सके उतना ड्रॉप करने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो आज रात को ही आप लोग देखोगे यूट्यूब पे, या सुबह तक आ जाएगा। मेरा फ़ोन एंड मेरा एक्शन कैमरा मेमोरी के बाहर हो रहा है, तो मुझे जैसे ही वीडियो एडिट करके अपलोड करके रॉ मटेरियल मुझे गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है, इसलिए ये आज रात को ही अपलोड कर दूँगा, जैसे जैसे बना के अपलोड कर दूँगा। सो डू लाइक डू कमेंट डू शेयर, मेक योर ओन रोड्स। मिलता हूँ कल सुबह, निकलता हूँ, निकलने के लिए पता चल जाएगा।